Hi there, and welcome to Mathematical Tools for Physics. अगर तुम सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है, तो पहले let me ask you, do you think कि physics hard है? Is physics hard for you? For you? या क्या तुमको लगता है कि you understand the concepts? आपको concept तो समझ में आता है, but you are not able to solve problems. पर physics में जब एक question आपके सामने आता है, तो आप सोचते रह जाते हैं कि कैसे कौन से concepts को हम यहाँ लगाएंगे. तो अगर आप ऐसा कुछ feel करते हैं, then this is the series you absolutely must watch. होता क्या है कि हम class 10th तक बड़े आराम आराम से physics पढ़ते हैं, एकदम spoon feeding होती है, और science बड़ा easy लगता है, but जैसे ही 11th में पहुँचते हैं, इवन द गुड स्टूडेंट्स, जो तेज बच्चे होते हैं, उनको भी फिजिक्स हार्ड लगने लगता है. इसके पीछे का रीज़न यह है कि फिजिक्स जो 11th में या 12th में पढ़ाया जाता है, वो कैलकुलस पर बेस्ड है, और कैलकुलस मैथ्स का एक पार्ट है, और वो मैथमेटिकल मैच्योरिटी बच्चों के अंदर होती नहीं है, और उनको एक साथ कई सारे काम करने पड़ते हैं. फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी लगाने हैं, मैथ्स भी करना है प्रॉब्लम्स में, तो दे फाइंड प्रॉब्लम्स हार्ड टू सॉल्व. सो व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर दिस? तो मेरा मानना यह है कि फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ 5 डिफरेंट टूल्स इन मैथ्स, जो कि बार बार फिजिक्स में यूज होते हैं, और अगर आपको उनका अच्छा से उनके ऊपर पकड़ हो, तो आप फिजिक्स को बड़े आराम से और मज़े के साथ सीख सकते हैं. इट मेक्स लर्निंग फिजिक्स फन. तो वो कौन से टूल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? तो आपके पास 5 मैथ्स के टूल्स हैं जो कि फिजिक्स में काफ़ी काम आते हैं. पहला टूल है ग्राफ. बिना ग्राफ के एक इंटरमीडिएट लेवल पर फिजिक्स सीखी नहीं जाती. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ग्राफ बेस्ड होते हैं. ग्राफ से वैल्यू निकालिए, वैल्यू से ग्राफ बनाइए, इक्वेशन से ग्राफ बनाइए, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो यू हैव टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स. दूसरा टूल है, वो है ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, एंड सो ऑन. थर्ड टूल इज वेक्टर्स. इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. चौथा टूल जो आपको आना चाहिए, दैट इज डिफरेंशिएशन. और पांचवा टूल जो है वो है इंटीग्रेशन. इनका बेसिक नॉलेज, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको होना ही चाहिए. इतनी मैथमेटिकल मैच्योरिटी नहीं होने पर लोगों को इससे फिजिक्स से डर लगने लगता है, क्योंकि वो एक साथ सारे काम नहीं कर पाते. कॉन्सेप्ट तो लगा लेते हैं, बट आगे उस मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है वो पता ही नहीं होता, तो फिर आगे कैसे बढ़े, क्वेश्चन हार्ड लगने लगता है, बनता नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है. सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये 5 टॉपिक पहले डील कर लें, और उसके बाद फिजिक्स सीखना शुरू करें. तो आने वाले वीडियोज़ में इन टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि इनमें क्या क्या है. एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो टूल्स की इम्पॉर्टेंस हम लोगों को सिखाता है. मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ैन है जिसको कि आप खोलना चाहते हैं. खोलने का मतलब है कि जैसे ये फ़ैन है आपके पास, तो उसके मोटर को, ब्लेड को, सबको अलग अलग करना है. बट आपसे मैं ये कहूँ कि डू इट ओनली यूजिंग योर फिंगर्स. तो क्या ये टास्क आसान होगा? नहीं ना, क्योंकि हमारे हाथ जो है उस लायक नहीं है कि पंखे को बड़े आराम से खोल सके. पर अगर आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर हो, तो क्या नट्स खोलना बहुत ही आसान हो जाएगा? है ना? तो दैट मींस यू नीड टू हैव द राइट टूल फॉर द राइट जॉब. अब स्क्रू ड्राइवर अकेला रखा तो फैन खोल नहीं सकता, उसको चलाना भी आना चाहिए. तो आपके पास टूल होना चाहिए और उसको यूज करना आना चाहिए. तो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि ये टूल्स क्या क्या हैं और इनको कैसे यूज करते हैं, और फिजिक्स में इनका क्या क्या एप्लीकेशन होता है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.